करके डिक्टेट करने लगते सरकार को, वो डिक्टेट जब करने का प्रयास किया तो फेडरल सिस्टम का विरोध है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पच नहीं रहा है, पूरे देश में हम मोदी सरकार केवल अपने आप को केवल देश का प्रधान मानता है, लेकिन गांव का जनता को, मतलब इस देश का जनता में कुछ भी क्या बदलाव नहीं कर रहा है। हमारा साफ करना कि ईडी और सीबीआई और राज्यपाल के माध्यम से जिस तरह से आप विपक्षी दलों को, सरकारों को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरी गलत परंपरा है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा, निजीकरण बढ़ा, पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है मोदी। 17 किलो 18 किलो खाते हैं तो एक महीने में 5 किलो हम कैसे पूरा करेंगे। वो कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं फ्री में, क्या हम भिकमंगा है उसके पास हम भीख मांगने जाएंगे। तो देखिए सीपीआईएम झारखंड के तरफ से ये मार्च निकाला गया है जो अभी राजभवन पहुंचा है। दरअसल जो इनका आरोप है कि जो केंद्र की सरकार है वो जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन पर दबिश बनाती है, उनके नेताओं को परेशान करती है, ये बात करते हैं। ये मार्च का कारण क्या है, क्यों मार्च करके आए हैं आपको जैसा पता है जितने भी देश के विपक्षी सरकारें हैं उन पर सरकार हमला कर रही है। आज केरल में 5 बिल पास हुआ था, उसमें 1 बिल को उन्होंने पास किया, बाकी 4 बिल जो है उनको केंद्र में भेज दिया गया। हम ये मांग करते हैं कि जबकि राज का मामला है, कैबिनेट ने जो पास किया है उसको या तो आप वापस कीजिए या फिर उसको केंद्र सरकार को भेजने का कोई तुक नहीं है। दूसरा है कि आप जीएसटी का करीब 57,000 करोड़ रुपया आपने रख लिया है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जितना भी विपक्षी सरकारें हैं उनका जो बकाया है चाहे झारखंड का ही क्यों ना हो उस पैसा को रिलीज करो और सरकार को किसी भी तरह से आपको बंद करना होगा ताकि। अच्छा, हमारी जो समझ है कि कोई भी अगर बिल पास होता है तो वो गवर्नर तक जाता है, वहाँ अगर गवर्नर उसमें कुछ खामियां देखते हैं तो वापस वो कैबिनेट को वापस भेजते हैं, लेकिन इस स्थिति में जैसा आप बता रहे हैं कि उसे केंद्र के पास भेज दिया गया, तो आपको नहीं लगता ये गलत है? हम इसकी को मांग करते हैं कि जो जो राज्यपाल का जो रवैया है केरल सरकार के प्रति उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये साफ साफ ये संविधान में लिखा है और तमाम संविधानों पर भी ये परंपरा रहा है कि यदि कोई भी बिल अगर नहीं उनको लगता है कि ये खराब है तो उसको वापस कर देना चाहिए, और वो भी 2 बार जब वो रोकने का उसको पावर है, जब ये 3री बार हो गया तो बिल को रोकने का कोई तुक नहीं है। वो उन्होंने केंद्र पर की ओर सिफारिश किया है, ये गलत है। हम इसको मांग करते हैं कि केंद्र सरकार का जो रवैया है, जो वो एक्सेप्ट किया है केंद्र सरकार, ये भी गलत है। केंद्र सरकार पर जो आरोप है कि वो अब असंवैधानिक रूप से काम कर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो आज ये धरना के पीछे का कारण क्या रहा, केरल में ऐसी क्या घटना हो गई कि आप लोगों को मार्च पे निकलना पड़ा? देखिए, केरल भारत में सबसे लोकप्रिय सरकार है, मनरेगा में, रोजगार में, विकास के क्षेत्रों में, हर पैमाना में केरल की सरकार नंबर 1 है मोदी के नजर में भी। लेकिन मोदी का एक आग का किरकिरी बन गया है केरल सरकार, उसको जो फंड देना चाहिए फंड नहीं दे रहा है, भेदभाव कर रहा है और एक गिराने की साजिश है। और चूंकि हम ही लोग ऐसा हैं जो पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे को लेकर के नफरत के खिलाफ पूरे देश की आवाम की एकता के लिए लड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पच नहीं रहा है। पूरे देश में हम पूरे मेहनत के आवाम की एकता बना करके भारत की संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के मुहिम में भारत में नेतृत्व कर रहे हैं, और इसके चलते केरल की सरकार के ऊपर साजिश के तहत वह भेदभाव और फंड नहीं देने का और उसे गिराने की साजिश कर रहा है, जैसे अन्य राज्यों में किया गया। यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन को भी वो वही हालत है, और आपको बिहार में दबाव दे करके नीतीश और दूसरे जगहों पर तोड़ने की ये साजिश चल रहा है। ये चूंकि पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा,
निजीकरण बढ़ाओ, पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है मोदी और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 13 महीना चली किसान आंदोलन और उस दौरान 3 काला कानून रद्द करते हुए लिखित आश्वासन दिया 3 महीने के अंदर वह फसल का कानून बनाएंगे MSP का। 1.5 साल बीत गया, नहीं बनाया। ये झूठा प्रधानमंत्री है, महंगाई के मामले में झूठा है, आपको 2 गुना आय के मामले में झूठा है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार के मामले में झूठा है, 2022 तक सभी का पक्का मकान होगा झूठ का, और इस तरह से झूठ के बुनियाद पर वह पूरे देश में कब्जा करना चाहता है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। केरल की सरकार भारत में 1 नंबर की सरकार है, उस पर अंगुली उठाना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुफल महतो, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आप लोग का लगातार ये आरोप रहता है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो जो वैसे राज्य हैं जहां भाजपा की शासन नहीं है उनके साथ भेदभाव करता है या दोहरा व्यवहार करता है, इसको कैसे देख रहे हैं जी? ये तो क्या है, BJP सरकार के लिए मंत्री केंद्र सरकार का ये, अब हमारे जितने भी गांव संगठन में रहते हैं वो लोग भी जान गए हैं कि मोदी सरकार का क्या नियत है। मोदी सरकार केवल अपने आप को केवल देश का प्रधान मानता है, लेकिन गांव का जनता को, मतलब इस देश का जनता में कुछ भी क्या बदलाव नहीं कर रहा है। केवल उनका केवल कागजी केवल कार्रवाई होता है और जमीन पर दिखता ही नहीं है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि जो इस देश का जनता को क्या कर रही है वो हमेशा ही निगलेक्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर हेमंत सोरेन है, हमारे हेमंत सोरेन कितना अच्छा यहाँ पर आदिवासी का नेता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि नहीं, यहाँ आदिवासी नेता नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए यहाँ पर तुरंत कार्रवाई किया गया, झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि BJP सरकार एकदम ही क्या है, झूठा मंत्री है, एकदम झूठा मंत्री है। केवल नाम के लिए वो आह्वान देती है लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि मोदी सरकार बोलते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ तक है उसका हद? इतना तक कि देखिए बेटी लोग वहाँ पर धरना दिए, लेकिन उस बेटी लोग का अन्याय हुआ, न्याय हुआ नहीं हुआ। तो इसे हम समझ सकते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल ही नकार है, मेरे नज़र में बिल्कुल ही एकदम खत्म है ना। और कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे, कहते हैं तो 5 किलो में हमारा अनाज 1 महीना चलेगा? बताइए, एक आदमी का अनाज 17 किलो 18 किलो खाते हैं तो 1 महीने में 5 किलो हम कैसे पूरा करेंगे? वो कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं फ्री में, क्या हम भिकमंगा हैं उसके पास हम भीख मांगने जाएंगे? हमारा कार्ड का अनुसार हम लोग को 17 किलो 18 किलो हम लोग को देना चाहिए, लेकिन क्या है वो 5 किलो देकर आदमी लोगों को क्या कर रहे हैं, बहका रहे हैं। और क्या है यहाँ का खेत मजदूर को क्या कर रहे हैं, 5 किलो दे के। अभी हम जानते हैं कि पूरे राज्य में पूरे देश में देखते हैं 5 किलो का लालच में लोग नहीं जानने के कारण वो केवल पंती लगाते हैं और अपना जो भी खेती बाड़ी होता है उसको छोड़ दे रहा है, यही भी एक कारण है ना। और क्या छोड़ दे रहे हैं तो बंजर भूमि हो रही है, तो बंजर भूमि को क्या कर रहे हैं सरकार कि उसको अपने कॉर्पोरेट में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं कि यहाँ पर जम बंजर भूमि है खेती नहीं किया जाता है, तो इसको हम सरकार के मतलब निजी कंपनियों को देकर वो क्या कर रहे हैं, हमारे जमीन को छीन रहे हैं। इस तरह से मोदी सरकार का साजिश है, बिल्कुल ही साजिश है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जहाँ जहाँ भी BJP सरकार नहीं है वहाँ वहाँ एकदम हमला हो रही है। देखिए केरल में भी जिस तरह से यहाँ हमारे झारखंड में हमला हुआ, उसी तरह से केरल में भी हमला हो रही है। तो इस ये होना नहीं चाहिए, हम लोग संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, इसीलिए हम संविधान को हमेशा आम जनता लोगों तक पहुँचाना है।
ताकि हम अपने अधिकार को संविधान के साथ लड़ाई कर सके, उसका अधिकार मन कर, वो हथियार है हमारा। केरल के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ ये भाजपा का सीपीएम का पूरे देश भर का कार्यक्रम के देखिए, केरल सबसे शिक्षित राज्य इस देश में, और वहाँ के विधानसभा से कोई जब योजना पास होकर राज्यपाल के पास जाती है तो राजपाल जो होता है राज्य सरकार और केंद्र के बीच की कड़ी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करने लगते हैं सरकार को। वो डिक्टेट जब करने का प्रयास किया तो फेडरल सिस्टम का विरोध है। हमारा साफ करना कि ईडी और सीबीआई और राज्यपाल के माध्यम से जिस तरह से आप विपक्षी दलों को सरकारों को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरी गलत परंपरा है। आज पूरा केरल की कैबिनेट जो दिल्ली में धरना पर बैठी हुई है, और हमारे पूरे देश में आज वामपंथी दलों के लोग प्रदर्शन कर रहे राज्यपाल के सामने ये बताने के लिए कि आप जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जीएसटी बाकी है, जो हमारी जन कल्याण की योजना है, जीएसटी का पैसा दीजिए। राज्यपाल का जो हस्तक्षेप होता है संवैधानिक मूल्यों के साथ चुनी हुई सरकारों के साथ, उनको हस्तक्षेप ज्यादा करने का राइट नहीं है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अगर बार बार हस्तक्षेप करते तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.